साल का एक दिन बच्चों का तो होना ही चाहिए। चाचा नेहरू को जितना बच्चों से प्यार था, उतना ही आज भी बच्चे उनसे प्यार करते हैं। चाचा नेहरू के जन्मदिन 14 नवंबर को इसी कारण बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बच्चे अपनी पसंद के खेल स्कूलों में खेलते हैं, खूब मौज मस्ती करते हैं। इसी कड़ी में आज अम्बाला छावनी के सिख गर्ल्स हाई स्कूल में बाल दिवस का आयोजन हुआ, जहां बच्चों ने गेम्स खेले। अलग अलग पकवानों के काफ़ी स्टॉल लगे हुए थे, जहां से बच्चों ने खूब खरीदारी करके खाया। इस अवसर पर हमसे बात करते हुए विद्यालय की प्रिंसिपल सुखविंदर कौर ने देश के सभी बच्चों को बाल दिवस की बधाई दी। अम्बाला से हमारी संवाददाता आंचल गौड़ की ये खास रिपोर्ट देखिए। हैप्पी चिल्ड्रंस डे सभी को। आज हमारे सिख गर्ल्स हाई स्कूल में चिल्ड्रंस डे मनाया गया, जिसमें हमने बच्चों के लिए फन गेम्स सारी क्लासेस के लिए करवाई और उसके बाद हमने बच्चों के लिए फूड स्टॉल लगवाए। सभी बच्चों ने बहुत एंजॉय किया क्योंकि आज उनका दिन है। चिल्ड्रंस आर गॉड्स क्रिएशंस और दे स्प्रेड हैप्पीनेस ऑल अराउंड। सो आई बिलीव बच्चे भगवान का रूप होते हैं। आज उनका दिन है, आज उन्होंने फुल एंजॉय किया है। आप बच्चों से भी फीडबैक ले सकते हैं उनको कैसा लगा। नहीं, आज जो आपके स्कूल में मिल रहा है तो स्टॉल किसके सीख के लगाए? आज बच्चों ने काफ़ी अच्छे स्टॉल लगाए हैं, जैसे मैक्रोनी का स्टॉल था, पकौड़े थे, सैंडविचेस थे, आइसक्रीम थे, फ्रूट चाट थी, गोलगप्पे चाट, बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया। तो ये स्टॉल यहीं लगाए गए कि घर से बना के लेके आए थे? बच्चे घर से बना के लेके आए थे और कुछ बच्चों ने यहाँ भी बनाया, जैसे कि सैंडविचेस वगैरह बच्चों ने खुद अपने हाथों से सब्जियाँ वगैरह काट के, चाट में भी बच्चों ने खुद आलू वगैरह छिलके सब अपने आप प्रिपरेशन की। जो रेडीमेड था लाइक मैक्रोनी वगैरह, वो बच्चे घर से बना के लाए थे, बाकी सैंडविचेस वगैरह यही बने। आपके स्कूल में कौन सी क्लास तक के बच्चे? हमारा स्कूल जी नर्सरी क्लास से 10th क्लास तक के हैं और अभी हमारा प्लस वन प्लस टू में भी चल रहा है, तो नेक्स्ट ईयर हमारा 11th 12th भी है। अभी मैं बच्चों से जानना चाहूँगी, आज आप किस लिए मनाया जाता है चिल्ड्रन डे? आपके स्कूल का नाम? सिख गर्ल्स हाई स्कूल। आपके स्कूल के प्रधानाचार्य का नाम? अपनी मैम के लिए आज के दिन आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपनी मैम को थैंक्स कहना चाहूँगी, उन्होंने इतना बड़ा हमारे लिए ऑर्गेनाइज करवाया ये सब।